हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोनफिक्स हैदराबाद। अभी जो है अपने पास एक नोट 5 प्रो का मोबाइल है, इसके अंदर जो है चेकिंग के अंदर देखेंगे जो डबल पावर है, 660 है, 660L है। इसके अंदर बक वोल्टेजेस क्या होते हैं, कोर वोल्टेजेस क्या होते हैं, इसके अंदर जो है हेरल्ड वो लो हेरल्ड वो कहाँ बनता है, कैसा चेक करना है, इसके अंदर चेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ चेक करना है, तो जैसा इसके अंदर अभी सारा प्रोसेस चेक करके बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल के अंदर यहाँ चार्जर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसा चार्जर को कनेक्ट कर दिए, चार्जर को कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट ये चीज चेक करेंगे इसके अंदर, यहाँ वीबस इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। जैसा वीबस की जो है इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है अपने को 5.20 जो है यहाँ वोल्टेज वीबस इन हो रहा है। जैसा वीबस इन हो गया, यहाँ ये वाला आईसी के अंदर वीबस इन होगा, ये ऊपर वाला आईसी के अंदर यहाँ वीबस इन होगा, और उसके बाद जैसा ये वाला 660 आईसी के अंदर वीबस इन हो गया तो यहाँ अपने को वीपीएच की वोल्टेज जनरेट करना चाहिए। तो यहाँ प्रोब टचअप नहीं हुआ तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ और इधर तरफ देखेंगे, यहाँ कोई बूट कैप के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, और यहाँ बैटरी को क्या करेंगे, कनेक्ट करके चेक करेंगे। ऐसा बैटरी को यहाँ कनेक्ट कर दिए, तो जैसे यहाँ बैटरी को कनेक्ट कर दिए तो जैसे बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ चेक करेंगे, यहाँ अपने को वीपीएच की वोल्टेज जो है यहाँ बन गया है। देखेंगे वीपीएच की वोल्टेज यहाँ बन गया अपने को 4 वोल्ट, और यहाँ जो है ये वाला कैप जो है इसी के साथ कनेक्टेड रहता, बूट कैप है। यहाँ एक तरफ 8 वोल्ट बनेगा और एक तरफ 4 वोल्ट बनेगा इसका, और एक तरफ देखेंगे 4 वोल्ट यहाँ भी बन रहा है। तो ये वाला अपना वीपीएच कॉइल है, यहाँ वोल्टेज अपने को बन गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, जैसा चार्जिंग के अंदर ये वीपीएच इन हो गया तो यहाँ नेक्स्ट चेक करना है अपने को बीओबी का वोल्टेज। और पहले इससे पहले ये चीज चेक करेंगे, यहाँ बनेगा तुम्हारे को एक फॉल्ट एंड का सप्लाई 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ये वाला टीपी पॉइंट के अंदर चेक करेंगे, यहाँ बनेगा अपने को जो फॉल्ट एंड का सप्लाई, ये भी वोल्टेज अपना ओके है। और जैसा ये वोल्टेज बन गया उसके बाद चेक करना है अपने को वीआरएजी बीओबी के ऊपर, यहाँ देखेंगे बीओबी का वोल्टेज भी अपने को बन रहा है। जैसा बीओबी बन गया तो ये वाला आईसी को एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ अपने को यहाँ बनना है हायर एलडीओ 2.2 वोल्टेज, और यहाँ हायर एलडीओ बन रहा है तो, और उसके बाद यहाँ चेक करेंगे यहाँ 1.30 का लोअर एलडीओ बन रहा है। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे, यहाँ कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं है, मतलब ये मॉडम का हो गया। उसके बाद ये वाला चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ भी कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं है, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी कोई ट्रेन वोल्टेज नहीं है, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं है। ये वाला वोल्टेज जो है APC 1 और APC 0 का है, और ये वोल्टेजेस बनेंगे आपको टोटल फोन पावर ऑन करने के बाद। और यहाँ चेक करेंगे नीचे की जो है, नीचे वाला आईसी के अंदर चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ बीओबी का वोल्टेज 2 वोल्टेज बन गया, और यहाँ देखेंगे यहाँ एक लोअर एलडीओ का वोल्टेज बन गया, और यहाँ देखेंगे तो ये वाला हो गया अपना, ये अपना बक वोल्टेजेस बन गए इधर, और कोर वोल्टेजेस है, इसी को बोलते हैं कोर वोल्टेजेस, और ये कोर वोल्टेज बन गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ बन गया अपने को 0.86 DRAM का सप्लाई बन गया, और यहाँ देखेंगे ये VDD मेमोरी का वोल्टेज, यहाँ देखेंगे 1.4 वोल्टेज यहाँ भी बन गया। तो सारा वोल्टेजेस जो है अभी सभी बक के अंदर सारा वोल्टेजेस जो है बन गया अपने को। तो अगर ये 2 IC लगा हुआ है, इसके अंदर कोई भी बक के अंदर अगर शॉर्टिंग होता है तो तुम्हारे को 2 भी पावर जो है ऑफ कंडीशन में रहते हैं। अगर कोई बक के अंदर शॉर्टिंग हो रहा है तो क्या होगा, तुम्हारे को 2 भी पावर ऑफ के रहेंगे, और या नहीं तो तुम्हारे को पहला वाला AC वर्क कर रहा है या सेकंड वाला AC वर्क कर रहा है, ये चीज पता करने के लिए तुम्हारे को यहाँ बीओबी का वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर बीओबी बन रहा है मतलब समझो सेकंड वाला पावर जो है तुम्हारा ओके है, अगर बीओबी नहीं बना रहा है तुम्हारे को
सारा वीपीएच, यहाँ भी सारा वीपीएच इन हो रहा है, इसमें भी सारा वीपीएच इन हो रहा है, इधर भी सारा वीपीएच इन हो रहा है, यहाँ फॉल्ट एंड भी बन रहा है तुम्हारे को, और फिर भी जो है तुम्हारे को बीओबी का सप्लाई नहीं बन रहा है, मतलब समझ जाओ ये वाला आईसी तुम्हारा खराब है। अगर यहाँ देखेंगे, अगर सिंगल कॉयल, अभी तो सारा वोल्टेजेस यहाँ बन रहा है, अगर हम एक कॉयल यहाँ हटा देंगे बीओबी का सप्लाई, तो दो पावर के अंदर तुम्हारे कोई भी कॉयल के अंदर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। तो यहाँ देखेंगे, तो यहां से मैं कॉयल यहां हटा दिया, जैसा ये कॉयल हटा दिया तो अभी मैं इसको चार्जिंग के अंदर लगाएंगे, तो थोड़ा मदरबोर्ड को कूल कर ले रहा हूं। तो जैसा यहां चार्जर कनेक्ट कर दिए, जैसा यहाँ चार्जर कनेक्ट कर दिए, तो उसके बाद चेक करेंगे, पहले ये देख लेंगे, यहाँ ये देख लेंगे इसका बी बस इन हो रहा है इधर, ठीक है। और यह देखेंगे ये वाला बीओबी का कनेक्शन देखेंगे, अपन हटा दिए इधर से, और यह देखेंगे इसका वीपीएच की वोल्टेज देखेंगे, यहाँ जो वीपीएच की वोल्टेज यहाँ चेक करेंगे, वीपीएच की वोल्टेज यहाँ बन रहा है अपने को, और इधर तरफ है अभी 8 वोल्ट भी बन रहा है, ठीक है, ये भी वोल्टेज अपने को बन रहा है। मगर यहाँ देखेंगे जो हाई रेडली वो चेक करेंगे, यहाँ एरेडली वो बनना अपने को बंद हो गया, और यहाँ कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेजेस आपको, कोई भी कॉइल के अंदर कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेजेस आपको नहीं बनेंगे। सर ये वाला एसी भी आपको ऑफ हो जाएगा, अगर जब तक ये वाला जो है बीआरईजी बॉब बन के जो है इस आईसी के अंदर आएगा, जब जाके ये वाला आईसी भी आपको एक्टिवेट होगा। तो अभी मैं बताता हूँ कॉइल डाल के, जो कॉइल अगर और ये वाला आईसी के अंदर भी कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा, ये वाला आईसी भी आपको ऑफ के अंदर रहेगा, कोई भी टाइप ऑफ मॉडम और कोर और जो है डीरैम का वोल्टेजेस, कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेजेस आपको यहाँ, कोई भी वोल्टेजेस लोअर एलडी हो, ये कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेजेस आपको यहाँ नहीं बनेगा। जैसा एक वाला कॉइल जो रिमूव करें अपन, जो कॉइल है बीओबी का कॉइल अपन रीइंस्टॉल कर दिए इधर, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये वाला कॉइल तो अपन इंस्टॉल कर दिए, जैसा कॉइल इंस्टॉल कर दिए तो यहां देखेंगे, यहाँ फिर हायर एलडीओ वो बनना स्टार्ट हो गया अपने को, यहाँ लोअर एलडीओ वो बनना स्टार्ट हो गया, और ये हो गया अपना मॉडम की लाइन, यहाँ तो कोई वोल्टेज नहीं बनाएगा, जब ऑन करके पावर ऑन करेंगे उसके बाद यहाँ वोल्टेजेस बन जाते हैं। और यहाँ देखेंगे एपीसी 0 एपीसी 1 के ऊपर भी अपने को कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं बना रहा है, और यहाँ देखेंगे ये सारा जो है अपने को यहाँ बीओबी बन गया यहाँ वोल्टेज, और उसके बाद फिर यहाँ लोअर एलडीओ बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये वाला वोल्टेज भी बनना स्टार्ट हो गया अपने को, सारा वोल्टेज जो है अभी सभी वोल्टेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डीरैम का वोल्टेज बन गया अपने को, और यहाँ कोर का वोल्टेज भी बनना स्टार्ट हो गया अपने को। सारा वोल्टेजेस जब बनने स्टार्ट हो गया तो अपने को जो है पावर सेक्शन सारा जो है ओके, इसके बाद जो है इसका जो कंट्रोल सेक्शन भी आपको चेक करना होता है, ये सारा चीज़ अगर आपको सीखना है तो आप आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद को। अभी तक आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के अंदर देखे होंगे,
जो ओनली आपको जस्ट थ्योरी पढ़ाया जाता है मगर प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं बताया जाता है। तो ये वीडियो इन्हीं लोगों के लिए है ताकि हम थ्योरी सुन रहे हैं मगर आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आ रहा है, चेकिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप चेक करने के बाद कौन सा स्टेप चेक करना है, कहाँ कितना वोल्टेज आना है और ये सारा चीज़ चेक करना है। तो आप आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद को। ये छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर कोई फॉल्ट रिपेयर करे सो नहीं मगर इसके अंदर ये फॉल्ट बनाना ही सिखा रही है ताकि जो है आपको ये टाइप का अगर चेकिंग पता चल गया, कहाँ क्या वोल्टेज आना ये सारा चीज़ पता चल गया तो आप बहुत ईजिली मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।